हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। मैं हूँ शिवम राउत और ये वीडियो होने वाला है थैलासीमिया के बारे में। समझते हैं क्या होता है थैलासीमिया। थैलासीमिया क्या है कि एक हेरिडेटरी हिमोलाइटिक डिसऑर्डर है जिसमें इम्पेयरमेंट और इम्बैलेंस इन द सिंथेसिस ऑफ ग्लोबिन चेन, लिख लेते हैं अपन। हेमोलाइटिक डिसऑर्डर, इसमें क्या होता है कि इम्बैलेंस इन सिंथेसिस ऑफ ग्लोबिन चेन्स ऑफ हीमोग्लोबिन, इम्बैलेंस इन सिंथेसिस ऑफ ग्लोबिन चेन्स ऑफ HB, ठीक है। नाउ जो थैलेसीमिया है उसको समझने से पहले हम ये समझेंगे कि हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर वगैरह कैसे होता है, सबसे पहले वो समझना जरूरी है। तो हीमोग्लोबिन में ग्लोबिन कैसे बनता है, जो ग्लोबिन होता है ग्लोबिन में रहते हैं दो अल्फा चेन्स, अल्फा टू एंड बीटा टू, ठीक है, बीटा टू, ऐसे दो दो अल्फा चेन्स और दो बीटा चेन्स मिला के बनता है अपना सबसे पहले ग्लोबिन, ठीक है, ग्लोबिन बनता है। अब अल्फा का क्या होता है कि अल्फा जीन जो है वो प्रेजेंट रहता है क्रोमोसोम नंबर 16, ये प्रेजेंट रहता है क्रोमोसोम नंबर 16 पे, और ये बीटा का जीन प्रेजेंट रहता है क्रोमोसोम नंबर 11 पे, ठीक है। अल्फा जीन, अल्फा चेन जो है उसको प्रोड्यूस करने के लिए अल्फा के चार जीन्स प्रेजेंट रहते हैं, समझो फॉर एग्जाम्पल अपन बोलेंगे अल्फा वन, अल्फा टू, अल्फा थ्री, अल्फा फोर, और बीटा के लिए रहते हैं दो जीन्स, बीटा वन बीटा टू, जैसे अपन उनको नाम दे सकते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से अपना बनता है ग्लोबिन, और ग्लोबिन में हीम मिला दो तो हीमोग्लोबिन, ठीक है। नाउ अब थैलेसीमिया का क्या है कि इसमें इसकी क्वालिटी तो ठीक रहती है, जैसे सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है कि जो बीटा ग्लोबिन चेन जो है उसकी क्वालिटी ठीक नहीं रहती है ना, क्वालिटी एक क्वांटिटी, और थैलेसीमिया में क्या होता है कि इसकी क्वांटिटी कम होती है। जो कोई भी, अब इसमें अल्फा टू या अल्बीटा टू, इसमें कोई भी एक जीन खराब हो सकता है, कोई भी एक चेन की क्वांटिटी कम हो सकती है, ठीक है। तो इस तरह से होता है थैलेसीमिया। अब थैलेसीमिया के कुछ कारण हैं, वो कारण कौन से देख लेते हैं अपन। उसमें पहला कारण क्या हो सकता है कि जीन डिलीशन एंड सब्स्टिट्यूशन। अब लेट्स एग्जांपल हम देखते हैं कि अपनी एक ग्लोब, कोई भी एक ग्लोबिन बना है उसमें अल्फा वन जो चेन है वो उसमें उसके क्वांटिटी में कमी आई है, ठीक है, तो हम नाम लेंगे अल्फा वन का। अब जीन डिलीशन और सब्स्टिट्यूशन, तो जो अल्फा वन बनना चाहिए था वो अल्फा वन बना ही नहीं है, ठीक है, तो उसका जीन क्या है, उसका जीन डिलीट हो गया या उसके जीन में कुछ सब्स्टिट्यूशन हो गया जिसके कारण अल्फा वन नहीं बना, तो क्या बचा फिर इसमें अल्फा वन और बीटा टू, इस टाइप का कुछ डिफेक्टिव ग्लोबिन बनेगा इसमें, अंडर प्रोडक्शन और इनस्टेबिलिटी ऑफ मैसेंजर आरएनए। अब मैसेंजर आरएनए तो बन गया लेकिन वो इनस्टेबल है ना। अब इसमें क्या होगा कि जीन नॉर्मल है लेकिन जो मैसेंजर आरएनए बना वो इनस्टेबल है, उसका कारण कई हो सकते हैं। अब मैसेंजर आरएनए इनस्टेबल है तो वो ग्लोबिन चेन नहीं बना पाएगा, ठीक है। नाउ डिफेक्ट इन इनिशिएशन ऑफ चेन सिंथेसिस। नाउ मैसेंजर आरएनए तो बन गया लेकिन वो प्रोटीन चेन फॉर्मेशन का इनिशिएशन में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, उसमें कुछ डिफेक्ट आ गया, या फिर प्रीमेच्योर चेन टर्मिनेशन, या फिर जो चेन बनना शुरू तो हो गई लेकिन उसकी चेन बनते बनते पहले ही खत्म हो गई, ये कुछ कारण हो सकते हैं जिनके कारण थैलेसीमिया हो सकता है। थैलेसीमिया में क्या है कि क्वांटिटी कम होती है ग्लोबिन चेन की, ग्लोबिन जो बनता है उसकी क्वांटिटी होती है कम। नाउ इसमें दो टाइप के थैलेसीमिया आएंगे, एक अल्फा थैलेसीमिया और एक बीटा थैलेसीमिया। अल्फा थैलेसीमिया में क्या है कि अल्फा जीन में प्रॉब्लम रहेगी, बीटा थैलेसीमिया में बीटा जीन में प्रॉब्लम, तो उसको एक एक करके देखते हैं। नाउ अल्फा थैलेसीमिया में क्या होता है कि डिक्रीज या टोटल अब्सेंस हो जाता है अल्फा ग्लोबिन चेन का इन हीमोग्लोबिन, है ना, इसमें लिखेंगे डिक्रीज और टोटल एब्सेंस ऑफ अल्फा ग्लोबिन चेन ऑफ हीमोग्लोबिन, ठीक है। इसमें क्या होगा कि बीटा चेन तो बराबर बनेगी लेकिन अल्फा चेन का
प्रोडक्शन है वो डिक्रीज रहेगा। नाउ इसमें चार टाइप के थे अल्फा थैलेसीमिया हो सकते हैं। चार टाइप के क्यों? क्योंकि हमने कहा था कि अल्फा के लिए चार जीन्स प्रेजेंट होते हैं ऑन क्रोमोसोम नंबर 16। ठीक है, तो वो चार टाइप में क्या क्या हो सकता है अब आगे देखते हैं। तो इसमें सबसे पहला रहेगा साइलेंट कैरियर। ये कंडीशन कब होगी कि जब इसमें कोई भी चार में से एक जीन डिफेक्टिव रहेगा। ठीक है, एक जीन नहीं रहेगा इसलिए उसकी कोई चेन नहीं बन पाएगी। ये हो गया पहला। इसमें कुछ खास फिजियोलॉजिकल इफेक्ट देखने को नहीं मिलते हैं। सेकंड है अल्फा थैलेसीमिया ट्रेट। अल्फा थैलेसीमिया ट्रेट, ठीक है, इसमें क्या है कि दो जीन का लॉस हो जाता है जीन में से, क्रोमोसोम नंबर 16 में से दो जीन का लॉस हो सकता है। इसमें माइनर एनीमिया देखने को मिलता है। ठीक है, माइनर एनीमिया इसमें देखने को मिलता है। थर्ड कंडीशन आ सकती है जिसको कहते हैं हीमोग्लोबिन एच डिसीज। हीमोग्लोबिन एच डिसीज इसमें क्या है कि तीन जीन का लॉस हो सकता है, थ्री जीन मिसिंग रहते हैं। इसमें मॉडरेट एनीमिया देखने को मिलता है, मॉडरेट एनीमिया। एंड फोर्थ है जो कि है हाइड्रोप्स फीटालिस। हाइड्रोप्स फीटालिस इसमें चारों के चारों जीन नहीं रहते हैं अल्फा ग्लोबिन चेन के लिए। ठीक है, फीटस जो है वो यूजुअली बर्थ तक तो सर्वाइव करता है लेकिन बर्थ के बाद उसकी डेथ हो जाती है ना। इसमें लिखेंगे फीटस डाइस आफ्टर बर्थ। तो वही इसको नंबर से याद रखना है, साइलेंट कैरियर, अल्फा थैलेसीमिया ट्रेट, हीमोग्लोबिन एच डिसीज और हाइड्रोस्पिटलिस। 1 2 3 4 एक जीन नहीं है, 2 3 4 ऐसे चार जीन इसमें नहीं है। ये हो गया अल्फा थैलेसीमिया के बारे में। नाउ नेक्स्ट देखना है अपने को बीटा थैलेसीमिया कैसे होता है। सो ये है बीटा थैलेसीमिया। इसमें क्या होता है कि डिक्रीज सिंथेसिस और टोटल लैक ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ बीटा ग्लोबिन चेन। बीटा ग्लोबिन चेन का या तो सिंथेसिस कम होगा या टोटल लैक ही रहेगा, वो बनेगा ही नहीं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो अल्फा चेन है वो बराबर बनते रहती है ना। अब अल्फा के हमने बोला कि उसका ग्लोबिन टेट्रामर बन जाता है अल्फा चेन का, अल्फा फोर बन जाता है जो प्रेसिपिटेट करता है, इसमें बनता है अल्फा फोर। समझो दोनों जीन नहीं काम कर रहे हैं ना बीटा के, तो बनेगा सिर्फ अल्फा प्रेजेंट है अपने पास, अल्फा फोर बनता है जो करता है प्रेसिपिटेट्स, वो प्रेसिपिटेट होता है और उसके कारण जो एरिथ्रोसाइट्स है उनकी प्री मेच्योर डेथ हो सकती है, कॉजेस प्री मेच्योर डेथ ऑफ एरिथ्रोसाइट्स। ठीक है, तो ये हो गया बीटा थैलेसीमिया। अब इसमें भी अपने को दो टाइप देखने को मिलते हैं। एक बीटा सबसे पहला है उसमें बीटा थैलेसीमिया माइनर, पहला है बीटा थैलेसीमिया माइनर। बीटा थैलेसीमिया माइनर में क्या होगा कि इसमें जैसे हमने बोला कि बीटा के लिए दो जीन होते हैं, तो इसमें कोई भी एक जीन डिफेक्टिव रहेगा। सो ये इसे हम कहते हैं बीटा थैलेसीमिया ट्रेट। ये यूजुअली असिम्प्टोमेटिक होता है, इसमें कुछ खास सिम्टम्स देखने को नहीं मिलते हैं, क्योंकि जो पर्सन अफेक्टेड है वो एक जो बीटा का जीन जो नॉर्मल है उससे कुछ सफिशियंट अमाउंट ऑफ बीटा चेन बना सकता है, इसलिए इसमें कुछ खास सिम्टम्स देखने को नहीं मिलते हैं। ठीक है, ये हो गया बीटा थैलेसीमिया माइनर। और दूसरा आता है बीटा थैलेसीमिया मेजर। बीटा थैलेसीमिया मेजर, ठीक है, तो इसमें क्या है कि दोनों भी जीन्स डिफेक्टिव रहेगा इसमें, है ना। सो जो इन्फेंट रहता है, जो बेबी रहता है, वो बर्थ तक नॉर्मल रहता है, क्योंकि जब बर्थ में रहता है वॉर्म में रहता है वो, तो उस समय बीटा ग्लोबिन की उतनी ज्यादा सिंथेसिस नहीं होता है ना। लेकिन बर्थ के बाद वो
सीवियरली एनेमिक हो जाता है ना, बिकम्स सीवियरली एनिमिक आफ्टर बर्थ एंड डाई विद इन 1 to 2 years. बर्थ के बाद वो सीवियरली एनिमिक हो जाएगा और उसकी डेथ हो जाती है 1 to 2 years में. इसमें क्या होता है कि समझो कभी कभी जो बेबी है उसको रिपीटेडली ब्लड ट्रांसफ्यूजन अपन देते हैं ताकि उसका कुछ इफेक्ट्स ना दिखे बीटा थैलेसीमिया मेजर का. तो इससे क्या होता है कि बॉडी में आयरन ओवरलोड बढ़ जाता है, बॉडी में आयरन ओवरलोड बढ़ जाता है जिससे भी डेथ हो जाती है इन विद इन 15 to 20 years. डेथ विद इन 15 to 20 years. ठीक है, तो ये है अपना पूरा थैलेसीमिया के बारे में. ठीक है, नाउ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, अपने कॉलेज में शेयर कर दीजिए. थैंक यू.